आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन 1 करोड़ में बिके रहाड़े, फिंच और पुजारा को नहीं मिले खरीदार। आईपीएल नीलामी में आवेश खान ने बेस प्राइस की 50 गुना कीमत पाकर रचा इतिहास, कृष्णप्पा गौतम का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने लियाम लिविंगस्टोन, पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख में खरीदा। पंजाब में प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोली दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं। हिजाब मामले पर ओवैसी ने किया ट्वीट, बोले इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी होगी भारत की प्रधानमंत्री। बीते 24 घंटों में कोरोना से मिली बड़ी राहत, 50,000 से नीचे पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। बिहार के भाजपा विधायक विनय बिहारी पर लड़की के अपहरण का आरोप, पत्नी पर भी कसा शिकंजा, मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में फोटो खींचते वक्त ट्रेन की चपेट में आए 3 युवक, 2 ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। फिल्म ब्रह्मास्त्र की नई तस्वीर आई सामने, एक दूसरे की आंखों में खोए नजर आए रणबीर और आलिया भट्ट। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। इसरो का मिशन 2022 की उल्टी गिनती शुरू, कल सुबह EOS-04 के साथ PSLV-C52 भरेगा उड़ान। गुजरात की फैक्ट्री में आधी रात को हुआ जोरदार धमाका, 9 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। मुंबई में रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आज बिजनौर और सहारनपुर से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कल सुबह से होगा दूसरे चरण का मतदान। आईपीएल नीलामी में रहा मेरठी खिलाड़ियों का जलवा, शिवम मावी और कार्तिक पर धनवर्षा, भुवनेश्वर की भी हुई बल्ले बल्ले। 26 साल से धरना दे रहे विजय सिंह लड़ना चाहते थे सीएम योगी के खिलाफ चुनाव, गोरखपुर में पर्चा भरने के लिए नहीं मिले प्रस्तावक। अब विदेश से आयात नहीं कर सकेंगे ड्रोन, इंडिया बनेगा ग्लोबल हब। फिल्म गहराइयां को कंगना रनौत ने बताया कचरा, दीपिका की मूवी पर किया कटाक्ष। मेरठ के रोहटा में 2 की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, मौके पर पहुंचे SSP ने जल्द खुलासा करने के दिए निर्देश। मेरठ में EVM सुरक्षा पर सपाइयों ने खड़े किए सवाल, स्ट्रांग रूम के बाहर का CCTV कैमरा बंद करने का लगाया आरोप। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।